माता पार्वती और भगवान शिव को मेरा प्रणाम। भगवान, मेरे पुत्र उपन्यु ने दरिद्रता में जन्म लिया और दरिद्रता में ही पला। इसने घोर कष्ट सहे हैं दीनानाथ। सुख के नाम से तो कभी इसका परिचय ही नहीं हुआ। दूध पीने की इसकी इच्छा मैं कभी पूरी नहीं कर सकी भगवान। देविका, तुमने अपने पुत्र से कहा था कि शिव की आराधना करने से उसे दूध का सागर प्राप्त होगा। तुम्हारी इसी वाणी को सत्य प्रमाणित करने के लिए हम इसी समय उपमन्यु को शीर सागर प्रदान करते हैं, जो कभी भी समाप्त नहीं होगा। आओ मेरे साथ। इस विशाल शीर सागर के दूध से सभी शिव भक्तों की दूध की इच्छा पूर्ण होगी। कोई भी अतृप्त नहीं रहेगा। स्मरण करते रहने वालों के जीवन का मैं श्रृंगार हूं, किंतु अहंकार में स्वयं को श्रेष्ठ और अन्य को निकृष्ट मानने वालों की मैं भीषण प्रहार हूं। मैं ओंकार हूं। Yeah।
नहीं, आग नहीं। तुम्हारा आराध्य शिव हूं, आंखें खोलो पुत्र, आंखें खोलो। प्रभु मेरे भोलेनाथ। प्रिय भक्त उपमन्यु, मेरे द्वारा ली गई कठोर से कठोरतम परीक्षा में तुम खरे उतरे हो। इस अल्प आयु में निरे बालक होते हुए भी तुमने स्वर्ग के प्रलोभन तक को ठुकरा दिया। मुझे तुम जैसे संतोषी प्राणी ही प्रिय हैं। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारा नाम नैष्टिक शिव भक्तों में अमर रहेगा। भोलेनाथ की जय हो। आओ पुत्र उपमन्यु, पितृभाव से मैं तुम्हें हृदय से लगाने के लिए उत्सुक हूं। प्रभु आओ पुत्र उपमन्यु, मेरे आराध्य, मेरे भोलेनाथ, मेरे शिव, मेरे भगवान, मेरे स्वामी, मेरे आराध्य, मेरे भोलेनाथ, मेरे शिव। मैंने कहा था ना देवी कि तुम्हारा पुत्र वियोग शीघ्र ही समाप्त होगा। ये देखो, तुम्हें उपमन्यु के रूप में एक और पुत्र प्राप्त हुआ है। इसे तुम अपनी ममता का वरदान दो। जाओ पुत्र। माता पार्वती को प्रणाम। पुत्र उपमन्यु, पुत्र उपमन्यु, पुत्र। माँ कहाँ था रे तू? तूने मेरा स्वप्न साकार कर दिया पुत्र। स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती ने तुझे अपना पुत्र स्वीकार किया है। अरे शिव और पार्वती की जो कृपा तुझे प्राप्त हुई है वो तो देवगण भी प्राप्त नहीं कर सकते। देव तुल्य संपदा प्राप्त कर ली तूने पुत्र।
देवराज, आज तो आप प्रसन्न मुद्रा में हैं, किंतु इससे पूर्व जब आप आए थे तब आपके मुख पर भय और चिंता व्याप्त थे। भगवान, एक तो देवर्षि नारद की सूचना, तत्पश्चात स्वयं मैंने सुना था कि आप उपमन्यु को स्वर्ग का स्वामी बना रहे हैं। उसे स्वर्ग का स्वामी बनाने के लिए स्वर्ग के पूर्व स्वामी अर्थात मुझसे स्वर्ग का हरण होना भी तो आवश्यक होता, इसीलिए मैं दुविधा की स्थिति में था। सत्य तो यह है देवराज कि नारद ने आपको भ्रमित किया और आप यहां चले आए, किंतु जो कुछ आपने देखा और सुना वो भी सत्य नहीं था। समझ गया भोलेनाथ, वो सब आपकी लीला थी। उपमन्यु की परीक्षा और आपकी लीला का ज्ञान उस समय मुझे नहीं हो सका था। भगवान, मैं अपने अज्ञानपूर्ण आचरण के लिए लज्जित हूं और क्षमा याचक भी। भोलेश्वर, मुझे क्षमा करें। माता पार्वती और भगवान शिव को मेरा प्रणाम। भगवान, मेरे पुत्र उपमन्यु ने दरिद्रता में जन्म लिया और दरिद्रता में ही पला। इसने घोर कष्ट सहे हैं दीनानाथ। सुख के नाम से तो कभी इसका परिचय ही नहीं हुआ। दूध पीने की इसकी इच्छा मैं कभी पूरी नहीं कर सकी। भगवान, देविका, तुमने अपने पुत्र से कहा था कि शिव की आराधना करने से उसे दूध का सागर प्राप्त होगा। तुम्हारी इसी वाणी को सत्य प्रमाणित करने के लिए हम इसी समय उपमन्यु को शीर सागर प्रदान करते हैं, जो कभी भी समाप्त नहीं होगा। आओ मेरे साथ। इस विशाल शीर सागर के दूध से सभी शिव भक्तों की दूध की इच्छा पूर्ण होगी। कोई भी अतृप्त नहीं रहेगा। पुत्र, मैं तुम्हें अक्षय वरदान देती हूँ कि तुम चिर कुमार रहकर शिव भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाश द्वारा जन जन में भक्ति और सद्भावना का प्रचार प्रसार करते रहोगे। प्रभु, अब उपमन्यु को आप ऐसा अक्षय वरदान दें जो अद्भुत हो। पुत्र उपमन्यु, तुम योग विद्या में पारंगत होकर अपने असंख्य शिष्यों को योग विद्या प्रदान करोगे। वेदों सहित समस्त ब्रह्म विद्या तुम्हें सहज ही प्राप्त होगी तथा जगत की सर्वश्रेष्ठ समृद्धि इच्छा मात्र से ही तुम्हारे सामने प्रकट होगी। तुम जगत के परम संतोषी प्राणी माने जाओगे। प्रभु, आपकी कृपा के अतिरिक्त अन्य मुझे कुछ भी इच्छा नहीं है। नमः शिवाय। प्रणाम देवेश्वर। प्रणाम माता। आपके दर्शन हुए और क्या देवर्षि? और यही माता कि आपके साथ साथ आपके इस भाग्यशाली पुत्र के भी दर्शन हो गए, जो भाग्य के विषय में देवगण से अधिक भाग्यशाली सिद्ध हुए हैं। हाँ नारद, उपमन्यु के रूप में पार्वती को एक और पुत्र की प्राप्ति हुई है। केवल माता पार्वती को? नारायण नारायण। प्रभु, माता पार्वती जिसकी माता है उसके पिता भी तो आप ही हैं। आप दोनों को पुत्र प्राप्ति के लिए बधाई हो। तुम्हारी बधाई तो हम ग्रहण कर लेंगे नारद, किंतु तुम्हारी लीला अत्यंत कष्टकारक होती है। मेरी लीला? नारायण नारायण। हे त्रिकालदर्शी, लीलाकारी तो आप हैं, मैं कहां ये लीला वीला जानता हूँ। जानते ही नहीं, तुम लीलाएं करते भी हो। तुमने हमारा इंद्र रूप देखकर इंद्र को भयभीत कर दिया था।
देवराज इंद्र की सभी इंद्रियां डामाडोल हो गई थी। वो सब कुछ तो अब सिमट चुका है, किंतु अब उपमन्यु को हमारे पुत्र के रूप में देखकर तुम कहीं कार्तिकी और गणेश को भ्रमित मत कर देना। नारायण नारायण, कहा देवराज इंद्र और कहा आप दोनों में धरती आकाश जितना अंतर है, तो मेरे आचरण में भी आप दोनों के प्रति अंतर अवश्य होगा। प्रभु, मेरा विचार है अब आपसे आज्ञा लेनी चाहिए। हम भी साथ चलेंगे नारद। हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है उपमन्यु। हमें क्षमा कर दो बहन, मैंने तुम्हें कभी भी कष्ट देना नहीं चाहा, फिर भी मैं तुम्हारा दोषी हूँ, मुझे क्षमा कर दो बहन। नहीं भाई, सारा दोष तो मेरा है, अपराधिनी तो मैं हूँ। तुम दोनों को मैंने बहुत दुख दिए हैं। अपने पिता की संपत्ति पर गर्व करके आप सब लोगों का मैंने अपमान किया। मुझे क्षमा कर दो देवी का बहन, मुझे क्षमा कर दो। मामा जी और मामी जी, आप दोनों व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। जो कुछ हुआ, जो हो रहा है और जो होगा, वह सब भगवान शिव की कृपा से हुआ है। वे मेरी परीक्षा ले रहे थे, वे अप्रत्यक्ष परीक्षक थे और आप प्रत्यक्ष। परीक्षा पूर्ण हो चुकी है, अब आप अपने आप को दोषी न माने। सब प्रसन्न हैं, आप भी प्रसन्न रहिए। मेरी तो भगवान शिव से यही प्रार्थना है कि आपको भी वही सुख संपत्ति प्राप्त हो जो आपको कभी सुलभ नहीं हुई। अरे क्या, हम तो राजा रानी बन गए और अपना बेटा राजकुमार। ये तो अपने प्रिय उपमन्यु की वाणी का ही चमत्कार है। बहन देविका, उपमन्यु के कारण हमें दूर से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के दर्शन भी हुए और ये वैभव भी। हमारे लिए सुख वैभव की इच्छा कर हमें सब कुछ प्रदान करने वाला स्वयं इस साधु वेश में क्यों? इसलिए मामी, अब मैं और माँ आश्रम बनाकर भगवान शिव की आज्ञा अनुसार ब्रह्म विद्या का प्रचार करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।